एक बहुत बड़ा तक जम्मू कश्मीर के गरीब लोग मेरे इलाज से भी बीमा एक सबका स्वास्थ्य सबका इलाज अभी तो आयुष्मान योजना के जरिए जम्मू कश्मीर के घरों से लोग से ज्यादा बेशिंदों का दिन हो रहा है और लोग से ज्यादा जिंदगी में चमक के लगी है। अपने दिलों के नुकता नजर से जम्मू कश्मीर के फंसाई वो पैदा यकीन थे एक रहता आज जम्मू कश्मीर में। मेरा नाम कुलवीर सिंह है, मैं फारफलंग एरिया कुंदवाड़ा का रहने वाला हूं। मैं एक दिव्यांग लड़का हूं। मैंने अपनी पढ़ाई सारी यहां किश्तवाड़ गवर्नमेंट बाल आश्रम से की है, जहां की मुझे रहने के लिए सुविधा रहने लगी खाना मिलने लगा, पढ़ाई के लिए खर्चा और स्कॉलरशिप भी उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, साथ में मुझे पेंशन भी मिलती थी हैंडीकेप का। और उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ली, फिर मुझे सोशल वेलफेयर की तरफ से एक स्कूटी ट्राई मोटरसाइकिल दी गई, जिससे मुझे कॉलेज जाने के लिए काफ़ी मदद मिली, तो उससे मेरी काफ़ी सहूलियतें हल हो गई। तो उसके बाद मैंने अब एमए कर रहा हूँ मैं, मुझे उसमें भी काफ़ी मदद मिल रही है सोशल वेलफेयर की तरफ से। मैं अपने तहदिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ सोशल वेलफेयर का और जे एंड के गवर्नर मनोज सिन्हा जी का। नौजवान खिलाड़ियों के लिए जीत के लिए होता हिंदुस्तान की आजादी के दहाइयों के बाद आजादी के दहाइयों के बाद भी जम्मू कश्मीर के माए और बहने अभी बच्चे खाने के धुएं से परेशान थे। यह था साफ अनुभव था जो साफ वहां बना चाहे और जम्मू कश्मीर विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज इस शुभ अवसर पर चौगान के भव्य मैदान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका अभिनंदन करते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मकसद यह है कि जो आखिरी गांव तक आखिरी व्यक्ति बैठा है उस तक भी जो भारत सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका उसको फायदा मिले और उससे वो जान भी सकें। तो ये जो गाड़ी जो आप देख रहे हैं ये हर गांव पहुंची है, घर पहुंची है, इस तरह की गाड़ियां रूरल एरियाज में अर्बन एरियाज में पूरे भारत वर्ष में जा रही हैं तो और लोगों को जागरूक कर रही हैं भारत सरकार की योजनाओं के बारे में। अब हम सभी मिलकर संकल्प लेके आप अपने देश को सुदृढ़ सशक्त और ऊंचाइयों तक ले जाए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। वो है क्विज है योजनाओं के बारे में, जो तीन लोग प्रथम होंगे उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ हमारी बातें पहले क्यूआर कोड डोल कर सकती है, अगर उसको ओपन कीजिए आगे गेम शुरू हो जाएगी। और लोकेशन में आप अर्बन लोकेशन डालेंगे, अगर कुछ हमारी पहने माता शक्ति हमारी यहाँ बैठी हुई है, अगर आप में से कोई क्यूआर कोड डाउनलोड करें आप कर लिए अपने आइए। तो लोग डाउनलोड कर सकते प्लीज कर लीजिए, अपने स्मार्टफोन में क्यूआर कोड डाउनलोड कर लीजिए प्लीज। विभिन्न राज्यों से होती हुई दीक्षित संकल्प यात्रा आज किश्तवाड़ के जिला किश्तवाड़ में पहुंची। आप किश्तवाड़ की सभी जनता का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे मैं बोलता जाऊंगा मेरे साथ आप सभी बोलते जाएंगे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र
बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुहद करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एमसी साहब जो पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे बीच हमारे साथ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, जैसा आपको पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका जो मकसद है वो है कि जो लास्ट मैन इन द क्यू है उस तक हम पहुंचे, चाहे वो दूर दराज गाँव में रहता हो, चाहे वो बालाई इलाका हो, चाहे शहरों में हो, चाहे वो कितना दूर डिस्ट्रिक्ट हो। तो आज हम जम्मू कश्मीर के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पहुंचे हैं अर्बन भारत यात्रा को लेके। लेकिन इससे पहले ही हमने किश्तवाड़ में रूलर जो कंपेन है हमारी, वो यहाँ दूर दराज इलाके जहाँ पार्डर है वहाँ भी पहुँची है। इसका जो मकसद है इस भारत यात्रा संकल्प यात्रा का, कि जो सरकार की जो स्कीमें है, वेलफेयर स्कीम्स है, उनका फ़ायदा सब तक पहुँचे और 100% सैचुरेशन हो स्कीम्स के बारे में। जिस तरीके से शहर तक आप पहुँचे, शहरों के बाद गांव इलाके जा हमें जुड़ जाते हैं, तो किस तरीके से गांव तक आपकी आवाज़ पहुंच पाई? देखिए, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि भारत यात्रा जो संकल्प यात्रा है, इसकी ये तीन फेज़ में स्टार्ट हो गई। पहला फेज़ जो 15 नवंबर को स्टार्ट हो गया, वो हो गया ट्राइबल एरियाज़ के लिए। उसमें जो जम्मू कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट आते थे, राजौरी और बांडीपुरा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने अर्बन रूलर वाला फेज़ स्टार्ट किया। 19-20 नवंबर से हमने स्टार्ट किया, उसमें जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू के जो डिवीज़न के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हमने वैन पहुँचाने की कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता करके हम फिर अर्बन फेज़ हमने स्टार्ट की। अर्बन फेज़ में सबसे पहले हमने जम्मू सिटी हमने टच किया, उसके बाद उधमपुर से लेके डोडा के कुछ एरियाज़ को टच किया, उसके बाद हम किश्तवाड़ आज पहुँचे हैं। किश्तवाड़ की जो दो लोकेशन म्यूनसिपल काउंसिल किश्तवाड़ के अंडर आती है, उनको हमने यहाँ पर आज टच किया। चूँकि जो हमने पहले ही बता दिया कि इसका जो मकसद है, एक तो हमें अवेयरनेस करनी है स्कीम उसके बारे में, दूसरा सैचुरेशन जो है, सैचुरेशन 100% सैचुरेशन हो उन स्कीम्स के बारे में। इन इवेंट्स में, इन लोकेशंस पे हम कैंप लगाते हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स है वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हैं, और जो यहाँ की ऑडियंस या जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे रूबरू करके, उनसे बातचीत करके उन तक ये अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के सुपरविजन के अंडर एक विकसित भारत यात्रा स्टार्ट हुई है, जिसका मकसद ये है कि ये जो हमारी वैन है, ये हमारे भारत के आखिरी कोने तक पहुँचे और हर एक भारतवासी तक ये मैसेज पहुँचाए कि जो भी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जिन्हें नहीं पता है कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है, उन्हें पता चले। और हमारा मकसद ये भी है कि जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, जैसे पीएमए समृद्धि स्कीम होगी, पीएमए अर्बन होगी, पीएमए ग्रामीण होगी, उज्ज्वल स्कीम होगी, इन तरह की वेरियस स्कीम्स, इनकी अवेयरनेस फैलाना, लोगों तक इनका बेनिफिट देना। जैसे अभी भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट्स हमारे पास आए हैं, जो स्वलाभी हैं, जिन्होंने आपके सामने वीडियोज़ भी दिए कि हमें इन स्कीम से क्या लाभ हुआ। किसी के घर बने, किसी के घर सिलेंडर आया, किसी को लोन मिला जिससे उसने रेडी वगैरह फड़ी काम स्टार्ट किया। तो ये सब हमारी जनता के बेनिफिट के लिए। लोगों से मेरा यही पैगाम है कि इन कैंप्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ताकि वो स्कीम जिनकी नॉलेज उनको नहीं है वो भी स्कीम उन तक पहुंच सके। हो सकता है किसी को नहीं पता हो उज्ज्वला स्कीम के लिए मैंने क्या फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करनी है, अर्बन के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट करनी है। तो इन कैंप्स का वही फ़ायदा होता है कि हर बंदे को पता चलता है कि हमने कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट से अवेल करनी है और कैसे अवेल करनी है।